In the human history, rape has always been considered as most heinous crime against the mankind. Delhi gang rape, जिसे हम निर्भया केस के नाम से भी जानते हैं, this was the case that shook India as a country and we as a society. इस केस ने हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि 21वीं सदी का भारत कितना सशक्त है अपनी महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर. पैरामेडिकल की तैयारी कर रही निर्भया ने जब सिंगापुर के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली तो हमें और सरकार दोनों को ये समझ में आ गया कि देश भले ही अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा था पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम कहीं पीछे छूट गए. नेशन वाइड प्रोटेस्ट ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि वो अपने कानून में अहम बदलाव करे जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोका जा सके. 2012 के इस केस के बाद महिलाओं की सेफ्टी के लॉज की समीक्षा करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया. दिस कमेटी हैज रियलाइज्ड दैट रेप इज द क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड हेंस शुड बी कंसीडर्ड ऑफ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. दूसरा इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था इस कमेटी का कि किसी भी तरीके का जेस्चर या टच, चाहे वो पेनेट्रेटिव हो या नॉन पेनेट्रेटिव, इट शुड बी कंसीडर्ड एज द सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट द वुमेन. और थर्ड इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था इस कमेटी का द क्रिएशन ऑफ निर्भया फंड. निर्भया फंड वॉज क्रिएटेड विद दिस ऑब्जेक्टिव कि बजट का एक हिस्सा ऐसे इनिशिएटिव्स को फंड करने के लिए यूज किया जाएगा जिनका ऑब्जेक्टिव महिलाओं की सेफ्टी और उनके एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने का हो. दिस फंड इज अ नॉन लैप्सिबल फंड जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है. इस फंड के अंतर्गत बहुत सारे स्कीम्स रन किए जाते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन एंड महिला पुलिस वॉलेंटियर. निर्भया केस के बाद देश में कई सारे कानूनों में बदलाव किया गया ताकि वुमेन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकें. हालांकि इन बदलाव और पहलों के बाद भी आज भी महिलाओं के प्रति होने वाले क्राइम कम नहीं हुए. महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध को तभी कम किया जा सकता है जब हम समाज के तौर पर एकजुट होकर के महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं. औरत के आत्मविश्वास के बारे में जयशंकर प्रसाद अपनी कविता में लिखते, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा. सो ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू.